हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स वीडियो में SSGD कॉन्स्टेबल के गाइस इसके मेडिकल के बारे में बात करेंगे। गाइस आपको पता ही होगा, आपका मेडिकल अभी होने वाला है, और जिन जिन मेरे फ्रेंड्स को इसमें मेडिकल के लिए डाउट्स है यार, वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। गाइज मैं इसमें आपका मतलब मैं आपको खुद अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि आपका मेडिकल में किस प्रकार से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और आपसे वहाँ पे क्या क्या करवाया जाएगा, ठीक है? तो मेरे इस वीडियो को सबसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको वीडियो स्किप नहीं करनी, आपको वीडियो पूरा देखना है। आपके सामने कुछ इमेजेस आएंगी, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा कि आपसे मतलब वहाँ पे किस प्रकार से ये सब करवाया जाएगा और आपका मेडिकल आप किस प्रकार से क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है? आपको सारे डिस्कस इस वीडियो में मैं आपसे करूंगा, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ठीक है? तो मैं आपके ज्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप फर्स्ट इमेज में देखिए, यहाँ पे जो एक आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, ये आपके मतलब कान में आप जब आप जाओगे, आपके कान के अंदर एक थोड़ी सी मतलब बैटरी होती है ये, ठीक है? आपसे देख लीजिए एक बार, ये एक बैटरी होती है जो आपके कानों में वहां पे मारी जाएगी, ठीक है? इससे आपका मतलब आपका जो कान का पर्दा होता है वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसमें छेद नहीं होना चाहिए, मैंने इसमें छेद नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत मेल हो या वो चल जाता है, ठीक है? गंदगी आप बाहर निकाल देना, ठीक है, मतलब साफ कर लेना, कान को बाहर से साफ करवा लेना, लेकिन कान का पर्दा आपका सही होना चाहिए, ठीक है? मैंने ये है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है? अगर आपके कान में अगर जो का पर्दा है अगर वो नहीं है या फिर फटा हुआ है, उसमें अगर कुछ कमी है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा मेडिकल में, ठीक है? आपके कान के अंदर थोड़ा बहुत मेल है वो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आर्मी में ज्यादा सीरियस लेते हैं, बट मतलब डिफेंस की जो है वैसे SSGD मुझे पता है, लेकिन गाइस इसमें मतलब इतना हार्ड मेडिकल नहीं होता, लो मतलब थोड़ा कम उसमें होता है, ठीक है? ज्यादा हार्ड लेवल में अगर मेडिकल की बात कर लीजिए, आपका आर्मी में ज्यादा हार्ड लेवल में होता है, लेकिन SGD ये डिफेंस की जॉब होती है, इसमें मतलब थोड़ा कम में उसमें लेते हैं, ज्यादा हार्ड लेवल में आपको मेडिकल नहीं होना है इसमें, ठीक है? तो अपने कान को अच्छे से साफ करवा लीजिएगा आप, और अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है कि आपके कान के पर्दे में प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिएगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स अब आपके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे मतलब आपका जो मतलब जो फेस है उस पर मतलब बैटरी मारी जाएगी, उसमें आपकी आंखों पे देखिए, आप सामने देखते हैं आपकी आंखों में बैटरी मारी जाएगी, आपकी जो अगर मतलब बिल्कुल आपको अंधेरे से एक अंधेरे कमरे में आपको ले आ जाएगा, ठीक है? अंधेरे से कमरे में आपको लेके जाएंगे वो, और आपकी आंखों में बैटरी मारी जाएगी वहां पे, ठीक है? अगर एकदम से बैटरी मारने से आपकी आंखों की पुतली अगर फेल जाती है तो आपका पॉइंट हो जाता है वहां पे। अगर आप पे बिल्कुल सामने देखते रहोगे, आपकी प्लक मतलब बिल्कुल नहीं झपकनी चाहिए वहां पे, अगर आपने प्लक झपकाई तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो गाइस ध्यान रखें, मतलब ये नहीं है कि पलक झपकते आपका पॉइंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि वो आपसे वो चाहेंगे कि आप पलक झपकाओ, लेकिन आप पलक झपकाना मत, जितना हो सके कम झपकाना, ठीक है? क्योंकि वो एकदम से बैटरी आंखों में मार दें ताकि आप एकदम से आंखें बंद कर लो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ढंग से मेडिकल देना है अपना, ठीक है? और फिर आपका आपसे जबकि जुबान बाहर निकलवाई जाएगी, ठीक है? ये तो बस नॉर्मल ही होता है, ठीक है? इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बस आप ये चेक कर सकते हैं, मतलब वो चेक करते हैं कि आपका मतलब जो अंदर से मतलब जबकि जीवा है वो ठीक ठाक है या नहीं है, बस इतना सब चेक करते हैं और बाकी इसमें कुछ नहीं करते हैं, ठीक है? तो आपके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, आपको गाय जैसे मतलब खड़ा कर दिया जाएगा वहां पे, ठीक है? तो यहाँ पे आपका मतलब कि नंबर होता है, आपके चेस्ट पे आपका नंबर लिख देंगे, ठीक है? इससे आप वहाँ पे अपना मतलब अदला बदली हो सकती है नहीं हो सकती वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मतलब जब आप खड़े हो जाओगे ऐसे, तो आपके जो पैरों के नीचे जो आपका मतलब जो गेप होता है उसको भी चेक करते हैं ऐसे, ठीक है? तो फिर आके नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं हम। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इंडियन आर्मी, जल्दी देखो कहीं मेडिकल से एनफिट ना कर दिया जाओ। कहीं जो पिक है आर्मी की पिक है, ठीक है? आप ये मत समझिए कि मैं आपको आर्मी से रिलेटेड बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है यार। एक आर्मी एक डिफेंस की जॉब होती है, ठीक है? और जिससे जॉब में आप ऐसे बात कर रहे हैं SSGD के बारे में, वो भी एक डिफेंस की जॉब है, दोनों डिफेंस की जॉब है। ये मान लीजिए आर्मी आपका ज्यादा हार्ड मेडिकल होता है, SSGD में इतना हार्ड मेडिकल आपका नहीं होगा, ठीक है? फ्रेंड्स आपका जो मतलब पैर के जो आपका जो तलवा होता है आपके अंदर मतलब नीचे गैप नहीं हो मतलब गैप नहीं होना चाहिए, क्या? ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे गैप बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा ये रॉन्ग है, ये मतलब गैप होना चाहिए, मैंने गलत बोल दिया है, गैप होना चाहिए। देखो ऐसे ऐसे गैप होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल स्पार्ट नहीं होना चाहिए आपका, ऐसे आपका ये मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल पॉइंट बन जाएगा। अगर आपका नॉर्मल फुट है मतलब कि गैप है आपके नीचे नीचे से, तो आपका पॉइंट बिल्कुल भी नहीं, आप एकदम नॉर्मल हो, ठीक है? तो आपके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो
फ्रेंड्स अभी देखें, आर्मी मेडिकल टेस्ट है कलर ब्लाइंडनेस। गाइस आपका सबसे हार्ड मेडिकल पॉइंट माना जाता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज करें गाइस, कमेंट में मुझे कर बता दीजिए जिसको मतलब कुछ प्रॉब्लम है आंखों से रिलेटेड। ये पॉइंट आप काफी हार्ड माना जाता है, पॉइंट बहुत कम क्लियर हो पाता है, लेकिन इसका भी एक हो सकता है उपाय, मैं आपको बता दूंगा अलग से। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता। ठीक है, तो आप मुझे बता देना कि जिसका मतलब ये प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करना वीडियो में जिसको कलर ब्राइटनेस का प्रॉब्लम है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे आपके दांत चेक किए जाते हैं कि आपके मतलब दांतों में आपके दांत जो मतलब कि उल्टे सीधे नहीं हो या फिर नकली दांत ना चढ़वा रखे हो आपने, ये सब चेक होता है। ज्यादा इसमें भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है ये भी। ठीक है, आपके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे मतलब आपके पैरों के बीच में गाइज गैप होना चाहिए। ठीक है, आपके एकदम आपको बिल्कुल खड़ा करवाएंगे वो, कि मतलब एडी को मतलब आराम से मतलब खड़े हो जाइए बिल्कुल सावधान। तो आज से आपके मतलब बीच में पैरों के बीच में गैप होना चाहिए। अगर आपका गैप नहीं होता है तो आपको पॉइंट मान लिया जाता है वहां पे। अगर आपका गैप है तो आपको नॉर्मल है। ठीक है, वैसे आपकी कोई उंगली हाथ की कटी नहीं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका बिल्कुल हाथ पैर की जब सब उंगलियां अच्छी सी होनी चाहिए। फ्रेंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड, लास्ट में आपका आंखों का पॉइंट गाइज, वहां पे आपसे मतलब कि एबीसीडी पढ़वाई जाएंगी, मतलब ए से लेके मतलब कि जेड तक आपसे मतलब कि एबीसीडी पढ़वाई जाएंगी वहां पे। तो वो क्या करते हैं यार, मतलब आपको ध्यान रखना कि वो कौन से वर्ड पे अपनी उंगली रख रहे हैं। ठीक है, वो एकदम से वर्ड देख लेते हैं कि हाँ कभी जेड पे, कभी सी पे, कभी वी पे, कभी एम पे। ठीक है, आपको उनके जॉब उनकी उंगली के अनुसार आपको चलना है, अपने आप से कुछ नहीं बोलना है आपको। जब वो आपसे कहेंगे ना कि हाँ ए पे क्लिक करो, मतलब ये बताओ वो बताओ, मतलब आपको उनके जो जिस पॉइंट पे उंगली रखेंगे आपको वही पॉइंट उनको बताना है। ठीक है, कई होते हैं कि अपने अपने मतलब वो लगातार कंटिन्यू पढ़ देते हैं, कंटिन्यू आपको नहीं पढ़नी है। जिस पॉइंट पे वो उंगली रखें आपको वही पॉइंट उनको बताना है क्लियर करके। ठीक है, कि ये जेड है, ये एफ है, ये वी है, ये एस है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे आपका मतलब आपके मतलब आपको खड़ा करके वहां पे आपके हाथों को सामने लिया जाएगा। आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं पिक में। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका चेक होता है कंपन, आपके हाथों में कंपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका वहां पे काम स्पेशली यही रहेगा कि आपको वहां पे गन उठानी या फिर मतलब गन चलानी भी पड़ती है यार, तो आपके हाथों में कंपन नहीं होना चाहिए। मैन होता है आपका ये पॉइंट भी काफी ऐसे नॉर्मल पॉइंट है, तो हार्ड नहीं है, बट ये आपका सही होना चाहिए, आपके हाथों में कंपन नहीं होना चाहिए। वो आपसे कहेंगे कि आप हाथों एकदम मतलब सामने लेके आओ और कंपन चेक कराओ। ठीक है, तो आपको उनकी आंखों के तब पता आपको क्या होता है कि अपनी हाथ की जो उंगलियां होती हैं कैसे कांपती हैं जब आप एकदम घबराए हुए होते हो। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है यार, नॉर्मल मेडिकल है यार, सब मतलब क्लियर हो जाता है, तकरीबन सबका क्लियर मेडिकल हो जाता है। मतलब वही रहता है जिसके अंदर घबराहट, आपको घबराना नहीं है यार। ठीक है, आपको उनकी आंखों में नहीं देखना है कि आपकी आंखों में उनकी आपको उनकी आंखों में नहीं देखना है, आपको बस आराम से नॉर्मली खड़ा होना है। आपका कंपन पॉइंट बिल्कुल नहीं बनेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका पॉइंट बिल्कुल नहीं बनेगा ये। ठीक है, अगर आप मतलब देखते रहो उनकी आंखों में झांक झांक के कि ये सब क्या हो रहा है, मतलब कहीं मेरा पॉइंट ना बन जाए, इन सब के वहम में रहोगे तो पक्का पॉइंट बन जाएगा आपका, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल माइंड फ्री रहोगे कि कोई टेंशन नहीं है, मैं एकदम फिट फिट हूँ, तो आप 100% फिट हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आपका ये मतलब नॉर्मल पॉइंट है। तो फ्रेंड्स मैंने इस पॉइंट के बारे में आपसे बात कर ली है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ये बस ये नॉर्मल आपके ये पॉइंट होते हैं इसमें। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपको इस रिलेटेड मुझसे कोई और कोई जानकारी चाहिए हो, या आपका कुछ और पॉइंट हो और आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपका वेट 80+ नहीं होना चाहिए, आपका वेट 50 से अराउंड मान लीजिए 70 के बीच आपका वेट होना चाहिए। अगर आपका ज्यादा वेट है इसमें तो तभी आपको बाहर कर दिया जा सकता है उसमें। ठीक है, क्योंकि ऐसी जेडी में, क्योंकि ऐसे डिफेंस की जॉब इसमें ज्यादा हैवी को नहीं ले सकते वो, इसमें आपका वेट थोड़ा कम कर लीजिए। अगर आपका ज्यादा 80+ अगर आपका वेट है तो आप प्लीज वेट को थोड़ा कम करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड आपको मुझसे कोई भी न्यूज चाहिए, कुछ पूछना आपको, फिर कुछ भी आपका पॉइंट हो यार, प्लीज मुझे कॉमेंट करें, मैं आपको पक्का जवाब दूंगा। ठीक है, एंड फ्रेंड थैंक यू।